तो यार मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल शौक, मुझे लगा नहीं था कि इनर मंगोलिया भाई ऐसा कुछ रहने वाला है यार। इंडिया हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू था मुस्लिम यार। तो दिस इज मंगोलियन ड्रेस, ओके बट यू आर चाइनीज। और ये देखिए, ये है मस्जिद का मेन गेट, कितना ज्यादा अलग लग रहा है भाई, चाइनीज स्टाइल हुई स्टाइल आर्किटेक्चर में आप लोगों को देखने मिलेगा। और ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा था, ये देखिए ये जो लैंग्वेज देख रहे हो आप, ये है मंगोलियन लैंग्वेज, ये है चाइनीज और ये है इंग्लिश। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, वहाँ पर मुसलमान एरिया और ये सारा कुछ बुद्धिस्ट एरिया है। यहाँ पर ये ऐसा प्रेयर कर रहे हैं कुछ अगरबत्ती जला के, यहाँ पर लग रहा है ये जो है ये मेन टेम्पल है इनकी। जैसे जैसे रात होगी ना और ज्यादा लाइटिंग लगने लग जाएगी और बहुत ही और खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो में। आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में देखा था हम बीजिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन अब वक्त हो चला है बीजिंग छोड़ के कोई नई प्रोविंस में जाने का, चाइना के कोई दूसरे रीजन को एक्सप्लोर करने का। और यार यहाँ से मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा रिमोट रीजन में मौजूद है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग वो जगह के बारे में जानते नहीं रहेंगे। तो यार मैं जा रहा हूँ चाइना का एक प्रोविंस है जिसका नाम है इनर मंगोलिया। आप में से बहुत सारे लोग मंगोलिया का नाम सुने रहेंगे, लेकिन इनर मंगोलिया का नाम बहुत ही कम लोग सुने रहेंगे भाई। बहुत ही मजा आने वाली है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग प्रोविंस है। और यार ये जो स्टेशन देख रहे हो इसका नाम है बीजिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन। और यार इतना बड़ा स्टेशन देख के ये मत सोचो कि भाई यही सबसे मेन स्टेशन है, बीजिंग में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन आप लोगों को देखने मिलेंगे। ये है बीजिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन, बीजिंग साउथ रेलवे स्टेशन है और 3-4 स्टेशन और भी है भाई पूरे शहर के चारों कोने में भाई आप लोगों को बड़े बड़े रेलवे स्टेशन देखने मिलेंगे। तो देख सकते हो भाई काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और चारों तरफ भाई स्काई स्क्रैपर की भरमार है। देखिए सामने भी सारी बिल्डिंग है वगैरह। और यार ये धूप देख के ये मत सोचो कि भाई ठंडी नहीं है, अभी का टेम्परेचर लिटरली -5 डिग्री है। और जहाँ हम जा रहे हैं इनर मंगोलिया भाई वो अलग लेवल पे ठंडा है, अभी का टेम्परेचर वहाँ पे -17 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत हालत खराब होने वाली, इतनी तैयारी से मैं नहीं आया हूँ, इतने मोटे कपड़े नहीं है मेरे पास में। तो अब चलेंगे अंदर जल्दी जल्दी भाई। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ बुलेट ट्रेन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है भाई यहाँ पे हर जगह जाने के लिए आप लोगों को बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। और भाई कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ से तकरीबन 500-550 किलोमीटर कुछ है इनर मंगोलिया कैपिटल होहोत नाम की एक सिटी है इनर मंगोलिया कैपिटल, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और वो तकरीबन 550 किलोमीटर दूर है। मुझे सिर्फ 2 घंटा 31 मिनट लग रहे हैं, 2 आवर 31 मिनट, बहुत ही अच्छा सिस्टम है यार। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। यार बुलेट ट्रेन से मैं इतनी ज़्यादा बार ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ ना यार एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है यार। ये देखिए ना कितना ज़्यादा साफ सुथरा और कितना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म वगैरह लग रहा है, साफ सफाई देखिए भाई, एक कचरा आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। और ये रही हमारी बुलेट ट्रेन जिससे हम आज ट्रैवल करने वाले हैं इनर मंगोलिया। डिज़ाइन बहुत पसंद है यार मुझे इसकी। और स्टेशन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा है, और इधर भी देखिए एक बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 350 किलोमीटर की स्पीड से ये बुलेट ट्रेन चलती है, तो 2 घंटे में तो 700 किलोमीटर हो जाना चाहिए। लेकिन भाई ये मत भूलो कि रास्ते में बहुत सारे स्टॉप आते हैं, तो स्लो करना पड़ता है, फिर वहाँ रुकते हैं 1-2 मिनट, फिर चलती है, स्लो होती है, फास्ट होती है, तो इस वजह से भाई थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देख सकते हैं हम पहुंच गए हमारे कैरेज पे, और इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ भाई सेकंड क्लास से। इससे पहले हम बिजनेस क्लास से ट्रैवल किए थे, लेकिन अब सेकंड क्लास से ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये जो टिकट है मुझे मिली है तकरीबन 2000 रुपये की, 2200 रुपये की मिली है, जो कि भाई 550 किलोमीटर के लिए ठीक ठाक यार। अभी कल ही रात में निकाला हूँ तो कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। तो चलते हैं भाई, बैठते हैं हमारी सीट पे। तो यार फाइनली देख सकते हो हम पहुंच गए हैं हुहोत रेलवे स्टेशन इनर मंगोलिया, और ये रही हमारी ट्रेन। अब निकलते हैं भाई यहाँ से बाहर। और भाई यहाँ पर आके एक पहला इंप्रेशन ये मिल रहा है कि भाई ठंडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है यार। मतलब जैसे ही बाहर निकला ना, पहली भाई बीजिंग में -4-5 चल रहा था, भाई यहाँ पर आया तो झटका सा लगा, मतलब और भी ज़्यादा ठंडी है। तो क्या कर सकते हैं भाई, झेलना पड़ेगा। और देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है, पहले बाहर निकलते हैं और फिर हॉस्टल से यहाँ से कैसे जाना है वो सारा चीज़ों के बारे में देखते हैं। हम निकल गए होहोत रेलवे स्टेशन के बाहर, और बाहर निकलते साथ सबसे पहले इंप्रेशन जो मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लैंग्वेजेस लिखी हुई है। जो सबसे ऊपर वाली लैंग्वेज है ये है मंगोलियन लैंग्वेज, और उसके नीचे आप देख सकते हो लिखी है चाइनीज़ लैंग्वेज। तो यार यहाँ पर आपको दो कल्चर देखने मिलेगा, यहाँ पर प्रॉपर मिक्सचर मंगोलियन कल्चर का और साथ ही साथ चाइनीज़ कल्चर देखने मिलेगा। तो बहुत मज़ा आने वाली है भाई, देखते हैं मंगोलियन कल्चर होता कैसा है। और भाई अगर ये इनर मंगोलिया जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो प्रोविंस में, इसके अगर साइज़ के बारे में बात करूँ, अगर ये भाई कंट्री होता तो दुनिया का 24th लार्जेस्ट कंट्री होता, इतना ज़्यादा बड़ा प्रोविंस है ये। और ये स्टार्ट होता है भाई रशिया के बॉर्डर से, वहाँ से लेके पूरा जो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो मंगोलिया और चाइना का बॉर्डर लगता है वो भाई ये इनर मंगोलिया ही से लगता है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीजन है,
और भाई आप लोगों को एक चीज़ बता दूं यार, मैं बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे गया हूँ, बर्फ़ वाली जगह पे गया हूँ, लेकिन यार यहाँ पर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि भाई धूप में भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। मेरा हाथ मुँह देख सकते हो आप, लिटरली एकदम ज़्यादा लाल सा हो गया यार। इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अभी का टेम्परेचर सिर्फ -8 डिग्री है, क्योंकि अभी 11:30 बज रहा है, आप देख सकते हो बड़ी सी घड़ी पे, वहाँ टाइम भी दिख रहा है 11:30 बजे। भाई ये हाल है धूप के टाइम पे, ये हाल है। तो भाई रात के टाइम तो भाई हालत ख़राब होने वाली है यार। देख सकते हो ये है बुलेट ट्रेन स्टेशन, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर है मेट्रो स्टेशन। यार चाइना के इतने दूर के रीजन में आप लोगों को भी मेट्रो वगैरह देखने मिलेगी। यार मुझे मेरे हॉस्टल पर जाना है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर दूर है। पैदल जाऊँगा तो 35 मिनट दिखा रहा है, मेट्रो से जाऊँगा तो सिर्फ 2 स्टॉप है। तो यार आप लोगों को यहाँ की मेट्रो भी दिखाता हूँ। सोच सकते हो भाई इतने दूर, इतने रिमोट रीजन में है, फिर भी यहाँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। चलिए भाई, और एक और चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ। देखिए जो लैंग्वेज आप लोगों को बताया था, मंगोलियन लैंग्वेज, ये मंगोलियन लैंग्वेज ऐसा ऐसा लिखते हैं। तो यार क्या ही कहने। चलिए अंदर चलते हैं हम मेट्रो पकड़ के हमारे हॉस्टल की तरफ। अंदर मेट्रो के आ गए हैं और मैं यहाँ से टिकट निकाल लिया हूँ, जो कि मिली है 2 युआन की, सिर्फ 22 रुपये की टिकट मिली है। देख सकते हो ऐसा कुछ मिला है। तो अब चलते हैं भाई मेट्रो की तरफ। और भाई यहाँ भी साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, भीड़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के। भाई आपको मेट्रो स्टेशन चाहे एक स्टेशन जाना है, चाहे लास्ट स्टेशन जाना है, कहीं भी जाना है, अगर आपको अंदर एंटर करना है प्लेटफॉर्म पर, आपको सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगा, बैग वैग स्कैन करवाना पड़ेगा। तो यार एक बहुत ही छोटी 5 मिनट की मेट्रो राइड के बाद हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है वो बस 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे सिटी में मैं अभी पहुंचा। और पहले इंप्रेशन की बात करूँ तो यार ये चाइना से थोड़ा अलग लग रहा है, और थोड़ा सा मतलब आप देख सकते हो उसको, यहाँ पर आप लोगों को छोटी छोटी बिल्डिंगें दिखेगी, चाइना के दूसरे पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन इस तरफ देख सकते हो आप सारी लंबी बिल्डिंग है। क्या बात है यार। हेलो हेलो। और यहाँ पर लोगों की क्यूरोसिटी थोड़ी ज़्यादा है बीजिंग से, क्योंकि भाई बीजिंग एक बड़ा शहर है, वहाँ कुछ फॉरेनर्स दिख जाते होंगे, लेकिन इधर पे भाई जब से मैं उठ रहा हूँ मेट्रो में, लोग सब जगह ना ऐसे घूर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, तो यहाँ मज़ा आने वाली है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और देखिए भाई यहाँ पर भी ये सब ब्रांड आपको मिल जाएगा, स्केचर्स वगैरह। तो यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है बस वो तकरीबन 400 मीटर दूर है, 5 मिनट लगेगा वॉक करने में। तो हॉस्टल में चलता हूँ, आप लोगों को हॉस्टल भी दिखाता हूँ, और सारा आप नज़ारा देख सकते हो। इनर मंगोलिया पहुँच गए, यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की सारी चीज़ें देखेंगे, मज़ा आने वाली है। पहले मैं भाई हॉस्टल पहुँच जाता हूँ, वहाँ बैग रख देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। तो यार मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल शौक, मुझे लगा नहीं था कि इनर मंगोलिया भाई ऐसा कुछ रहने वाला है यार। मतलब क्या ही बोलूँ, मैं तो सोचा था कि भाई गांव जैसा रहेगा, गांव की लाइफ हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ देख सकते हो भाई लंबी लंबी बिल्डिंग है चारों तरफ, और बहुत ही खतरनाक सा माहौल है यार। मैं सोचा था कि भाई गांव खेड़े में जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा याक वगैरह दिखाऊंगा, मंगोलियन कल्चर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा नहीं है कि भाई होहोत शहर में कुछ ऐसा दिखने वाला है। शहर से बाहर जाना पड़ेगा, ये शहर भी आपको दिखाऊंगा और यहाँ की गांव की ज़िंदगी भी दिखाऊंगा, मंगोलियन गांव की भी ज़िंदगी दिखाऊंगा। तो लोकेशन पे तो पहुंच गया हूं, यहां हॉस्टल ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है भाई, अभी ऐसी सेम बिल्डिंग है, कहां ढूंढूं समझ में नहीं आ रहा है। तो वीचैट रहना भाई यहां पर बहुत ज़रूरी है, तो वीचैट से उनसे बात कर रहा हूँ ट्रांसलेट कर करके। और भाई मास्क इसलिए लगाया हूँ, मेरे हाथ की हालत ख़राब हो गई है भाई, पूरी नाक वगैरह लाल हो गई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है ठंडी से। एक ग्लव्स अच्छा वाला ख़रीदना पड़ेगा यार। तो देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है, और मेरा जो हॉस्टल है ना, ये 3-4 जो बिल्डिंग देख रहे हो, इसमें से एक बिल्डिंग में है, तो पता लगाता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बाद मुझे मालूम पड़ा है, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो इसके 31st फ्लोर पे मेरा है हॉस्टल, 31वें माले पे आप देख सकते हो एकदम ऊपर। तो चलते हैं यहाँ से, ये है गेट, और देखते हैं भाई हॉस्टल होता कैसा है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और हॉस्टल ज़्यादा महंगा नहीं, तकरीबन इंडिया के 600 रुपये में मिल रहा है, तो देखते हैं भाई कैसा होता है। फ़ोटो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ से लिफ्ट लेते हैं और चलते हैं 31वें माले पे। और देख सकते हो ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर ही है 31st फ्लोर, हमारा जो हॉस्टल है वो टॉप फ्लोर पे। और देखिए भाई सामने एक एडवर्टीजमेंट चल रही है यहाँ पर, जो कि यहाँ से प्रोजेक्टर से चल रहा है। क्या बात है यार, मैं पहली बार ऐसे एडवर्टीजमेंट देख रहा हूँ। देखिए यहाँ से प्रोजेक्टर से लाइट निकल रही है और सामने है एडवर्टीजमेंट। ये तो मैं इंडिया में भी देख चुका हूँ, मेरी बिल्डिंग में भी है, लेकिन ये मैं पहली बार देखा हूँ। देख सकते हो हमारी एंट्री हो रही है हमारे हॉस्टल में, और यहाँ देख सकते हो इतनी सारी बिल्डियाँ हैं, क्या बात है। यह है मेरे हॉस्टल का रूम, जो कि है भाई 31st फ्लोर पे, बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। और अगर बेड की बात करें तो ये कैप्सूल होटल है, आप देख सकते हो ये है मेरा बेड यहाँ पर। यहाँ पर सारी अमेनिटीज़ मिल जाएगी, मैं पहले भी कैप्सूल होटल में रुका हूँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। देख सकते हो वहाँ पे छोटा फ़ैन है, लाइट है पर्सनल, वेंटिलेशन के लिए और चार्जिंग पॉइंट वगैरह सारा चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पर है कंबल और तकिया, तो यार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है कैप्सूल होटल में, फिर से हम रुकेंगे। हॉस्टल में बैग वैग रख के मैं निकल गया हूँ, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ मस्जिद, क्योंकि आज है जुमा और
काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 1:15 बज गए हैं। तो आप लोगों को यहाँ की मस्जिद भी दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि इनर मंगोलिया में मुसलमान बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि जब मैं बुलेट ट्रेन से आ रहा था यहाँ पर, तो वहाँ पर भी भाई काफ़ी ज़्यादा लोग टोपी लगा के बैठे हुए थे, चाइनीज़ लोग। और यार एक बात ये है कि आप अगर दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब अफ्रीका के जंगल में जाओ, चाहे रशिया में जाओ, चाहे चाइना में जाओ, सिर्फ आपको ये जाना नियरेस्ट मॉस्क, आपको 3-4 किलोमीटर के अंदर कहीं ना कहीं मस्जिद दिख ही जाएगी। तो यार ये काफी अच्छी चीज है। तो यहाँ से चलते हैं नजदीक वाली मस्जिद। बहुत सारी मस्जिद है यहाँ पर, यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ सारी साइकिल वगैरह खड़ी हुई है। तो एक साइकिल लेते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं मस्जिद की तरफ, जो कि है यहाँ 2 किलोमीटर दूर। साइकिल लेके मैं तो निकल गया हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक सरप्राइजिंग चीज दिखी है। यहाँ पर आप छोटी इलेक्ट्रिक बाइक भी ले सकते हो, जैसा वो ऐप से लेता हूँ, ये वही ऐप से आप छोटी इलेक्ट्रिक बाइक भी ले सकते हो। तो क्या बात है यार, अब मुझे मालूम नहीं इसमें लाइसेंस लगता है कि नहीं लगता है, वो मैं सारी चीज़ें बाद में देखूंगा। पहले हम हमारे डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। तो यार यहाँ पर रूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉलो करते हैं। ये वाली जो लेन देख रहे हो, ये साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक के लिए तो बिल्कुल खाली है, सारी गाड़ियाँ वहाँ पर ही खड़ी है। तो भाई यहाँ पर बिंदास चलाइए, बड़ी गाड़ी आने का टेंशन नहीं रहता है। फिर तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, इसलिए बिना बेफिक्र यहाँ पर साइकिल आराम से चला सकते हैं ये वाले रोड पे, ये वाली पट्टी पे। तो यार देख सकते हो हम पहुँच गए हैं मॉस्क में, और भाई इतनी ज़्यादा यूनिक आर्किटेक्चर और इतनी ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इतना ज़्यादा अलग लग रही है यार, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, और कितनी ज़्यादा बड़ी है। कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, तो उसका मेन गेट ढूंढते हैं और वहाँ से एंटर होते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से क्या हाल चाल है यार। मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक है भाई, इतनी यूनिक मस्जिद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो इसका मेन गेट मेरा ख्याल है ये सामने जो देख रहे हो, ये इसका मेन गेट लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो यार वहाँ पे मैं अपनी साइकिल पार्क कर दिया हूँ, और ये देखिए ये है मस्जिद का मेन गेट। कितना ज़्यादा अलग लग रहा है भाई, चाइनीज स्टाइल हुई स्टाइल आर्किटेक्चर में आप लोगों को देखने मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो अंकल कुछ फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं बाहर गाड़ी लगा के, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। यहाँ भी सारी देख सकते हो नान वगैरह की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारी दुकान लाइन से बहुत दूर तक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। पहले आप लोगों को मैं थोड़ी मस्जिद दिखा देता हूँ और मैं जुमा की नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। भाई इसका आर्किटेक्चर देखिए कितना ज़्यादा यूनिक लग रहा है यार, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो और चलते हैं अंदर से देखते हैं क्या क्या है। देखिए पूरा मस्जिद का मैप भी बना हुआ है यहाँ पर, क्या बात है। ये सारा कुछ बाहर का एरिया है भाई। नमाज खड़ी हो गई है। ये देखिए रुकू में चले गए, वजू कहाँ बनाना है। अरे यार नमाज खड़ी है, वजू कहाँ बनाना है। अल्लाहु अकबर। अरे यार किससे पूछूं, समझ में नहीं आ रहा यार वजू कहाँ बनाना है, बिना वजू के नमाज भी नहीं पढ़ सकता हूँ मैं। यू स्पीक इंग्लिश? Do you know where can I ablution? Wudu, yeah. I this is my first time here too. Oh, okay. I can ask somebody. But there's nobody here. There's nobody here. Yeah. Bye. Yeah, wahan ladies unse pooch rahe. She said that for the ladies is over there, but she doesn't know what the men's is. Okay. थैंक यू यार, क्या कर सकते हैं अब, मुझे मालूम नहीं था यहाँ के टाइम के बारे में। और भाई मैं पूरी मेहनत किया, भाग भाग के यहाँ तक पहुँचा, और मैं यार सफ़र में भी हूँ तो इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन अभी ये बोले हैं वजू खाना इसके पीछे कहीं है। तो यार अगर 15 मिनट जल्दी भी आता तो भी जमात नहीं मिल पाती, क्योंकि यार वजू बनाने में और वॉशरूम यूज़ करने में 15-20 मिनट लग गया, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा ठंडी है और कपड़ा उतार के पूरा वजू बनाना पड़ता है। अंदर एक टी शर्ट है, फिर ये इनर है, फिर उसके बाद जैकेट है, ठंडी बहुत ज़्यादा। बाल देखो कैसा हो गया, ये टोपी पहन पहन के। और देखिए ऐसा कुछ है यहाँ का वजू खाना। यार मेरी भी नमाज हो गई, नमाज पढ़ के अभी जस्ट निकला हूँ। और मतलब यहाँ के मुसलमान भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा अलग दिखे हुए हैं। और ये देखिए हमारे, अस्सलाम वालेकुम, देखिए
और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई चाइना में आदमी दाढ़ी नहीं रख सकते। देखिए बहुत सारे दाढ़ी वाले लोग भी देखेंगे और बहुत ही ज्यादा यूनिक मस्जिद है यार। मैं ओके अस्सलाम वालेकुम। ओके तो इनको फोटो खिंचाना है एक एक करके। आ जाओ मंगल अंकल की बारी। तो देखिए मैं निकला यहाँ पर तो फोटो खिंचाने लगे भाई साथ में। तो देखिए भाई अंदर से आप लोगों को फिर से अच्छे से मैं मस्जिद दिखा देता हूँ ऐसी कुछ है। और चाइना में कैसा सिस्टम होता है, यहाँ पर आपको पैर रखना है और यहाँ पर सजदा करना है। सजदा आप कारपेट पे नहीं कर सकते हो, आपको ज़मीन पे करना रहता है। तो ऐसा कुछ सीन है। और देख सकते हो यहाँ एहतिकाफ़ का भी इंतज़ाम है, ये पर्दा लगा के यहाँ एहतिकाफ़ वगैरह रमज़ान में भी कर सकते हैं। और डिज़ाइन तो आप देख सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا। तो यार अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। और आप लोगों को मैं आते टाइम थोड़ी मस्जिद दिखा दिया था, थोड़ी और आप देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी। यहाँ हम नमाज़ पढ़े और देखिए यहाँ भी नमाज़ पढ़ने के लिए पूरी बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर भी है और ये भी है और उसके पीछे भी है। और उस तरफ जो देख रहे हो वो लेडीज़ की जगह है। और आप देख सकते हो थोड़े टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं फ़ोटो खिंचाने यहाँ पर। बाकी नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी सारी बड़ी मस्जिद है, इसके पीछे भी है। और ये देखिए भाई बड़ा सा मीनार है और ऊपर देखिए चांद बना हुआ है। तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो, मैं लिटरली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ इनर मंगोलिया में इतने ज़्यादा मुसलमान देखने मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। यहाँ के लोकल लोग से भी बात हुई मेरी तो वो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन भाई लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है लेकिन टूटी फूटी लैंग्वेज में बात करके एडजस्ट कर लिए। और देखिए यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा सेक्शन बना हुआ है, क्या बात है यार। आइए थोड़ा सा आगे तक देख लेते हैं, तलवार वगैरह बनी हुई है यहाँ पर। सही है यार, बहुत देख सकते हो हम निकल गए हैं मस्जिद से बाहर। और यहाँ पर देख सकते हो लाइन से पूरी दुकानें जो सारी मुस्लिम दुकानें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मुस्लिम दुकान पे आप लोगों को ना ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। देखिए ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, नान वगैरह आप लोगों को ये तो दिखना ही दिखना है यहाँ पर। और बहुत सारे वेराइटीज़ की आप देख सकते हो मिठाइयाँ भी रखी हुई है और चॉकलेट वगैरह। तो इसमें से हम जाते टाइम ज़रूर कुछ लेंगे, अभी तो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊँगा। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, फिर उसके बाद हम कुछ यहाँ से लेंगे ज़रूर। देखिए यहाँ भी कुछ अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, यहाँ भी सारे कुछ ब्रेड वगैरह हैं। तो यार इस तरह तो सारे ब्रेड वगैरह रखे हुए हैं, इस तरफ देखते हैं अगर कुछ रेस्टोरेंट रहेगा तो भूख लग रही है भाई, कुछ खाते हैं क्योंकि भाई सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं हूँ। यहाँ भी ऐसी दुकानें हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, किशमिश खजूर बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देखिए क्या बात है। और यहाँ भी सारी कुछ मिठाइयाँ हैं, ये देखिए जूस रखा हुआ है। ये कौन सा जूस, खजूर का जूस है क्या? हाँ ये शायद खजूर का जूस लग रहा है, पीच का जूस है। यहाँ पे तो सारे ड्राई फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं। रेस्टोरेंट किस तरफ है? हाँ मेरा ख्याल है रेस्टोरेंट यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर मेरा ख्याल है खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। आइए देखते हैं भाई, आर्किटेक्चर देखिए ना, स्ट्रीट देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत, कितनी ज़्यादा अलग लग रही है यार। मतलब बाकी चाइना से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और साफ़ सफाई देखिए एक नंबर है भाई, एक कचरे का छोटा टुकड़ा भी नहीं आप लोगों को यहाँ देखने मिलेगा। रेस्टोरेंट बंद है क्या यार? रेस्टोरेंट्स है तो देखते हैं यार, नहीं नहीं खुले हैं सारे। चलिए थोड़ा सा आगे तक चलते हैं, फिर कोई रेस्टोरेंट अच्छा दिखा तो बैठ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारा स्कार्फ वगैरह मिल रहा है, क्या बात है। अरे वैगनर, वैगनर क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा वैगनर नहीं है, वैगनर जैसी गाड़ी है। देखिए भाई सोच रहा हूँ यहाँ पर खाते हैं कुछ मज़ेदार मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम। चलिए भाई यहीं को खाते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या है खाने के लिए। हलाल इंडिया, हिंदू हिंदू मुस्लिम, हिंदू था मुस्लिम यार। तो इनको बोला मैं इंडिया से हूँ, मुसलमान हूँ। ये भी वेजिटेरियन है क्योंकि देखिए सिर्फ इसमें नूडल्स डाले हैं और कुछ भाजी वगैरह डाले हैं, थोड़ा सा सूप डाल रहे हैं। क्या मिला रहे हैं यहाँ, सारी कुछ कोतमीर डाले हैं, पत्ता गोभी है,
फिर ये देख सकते हो ये है अदरक का सूप, फिर उसके साथ देख सकते हो थोड़ा चटनी वगैरह है और वो कुछ ब्रेड का टुकड़ा है, ये सारा कुछ चटनी है, ये सारा कुछ वेजिटेरियन है। और ये रहा हमारा खाना जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है। और आ गई हमारी चाय, चलिए भाई टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे हम इंडिया में खाते हैं मसाला बिल्कुल वैसा है। और ये देख सकते हो ये शायद मैदे से बना हुआ है। ये जो देख रहे हो ये ब्रेड का टुकड़ा है और साथ में भाजी बहुत सारी है, मसाला बहुत सारा है, चटनी बहुत सारी है। इसका प्राइस मुझे मालूम नहीं है, जब मैं पैसा दूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं खाता हूँ भाई, और अब तक का मेरा सबसे अब तक का मेरा सबसे सस्ता खाना भाई ये मिला मुझे 10 युआन का, 110 रुपए में भाई, एकदम बड़ा बोल नूडल्स का और साथ में वेजिटेबल्स, तो बहुत ही अच्छी डील है भाई। 100-110 रुपए में आप लोगों को यहाँ लोकल खाना मिल जाएगा, तो यार सस्ता है, ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है। और यहाँ पीने के लिए अगर ड्रिंक्स कुछ चाहिए तो यहाँ भी सारी दुकानें हैं। देखिए भाई ये दही लस्सी है, बहुत मस्त रहती है। अब ये क्या चीज़ है मुझे मालूम नहीं है, पूछना पड़ेगा। ये क्या है, लिखा तो कुछ भी नहीं है। नहीं हाउ मच, 5 ओके मैं खा के निकला यहाँ पर, जब मैं जा रहा था तो ये बोले हमारे रेस्टोरेंट में हो, रेस्टोरेंट में हो शीशे। और यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी खाने की चीज़ें हैं। यहाँ पर कैसा सिस्टम रहता है, ये जो सारी चीज़ें आप जो अच्छा लग रहा है वो उसको पिक करो और वहाँ पे वो फ्राई करके देंगे। तो यार ये काफ़ी अलग सिस्टम है। और मैं खाना तो खा लिया था इसलिए मैं यहाँ से ले लिया हूँ चाय। ये देख रहे हो भाई चाइना में सबसे फेमस चीज़ है, और भाई मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट चाइना में ड्रिंक कुछ है तो ये है, ये है मिल्क टी। जैसा भाई इंडिया में हमारी चाय होती है ना, ये बिल्कुल वैसी होती है लेकिन ठंडी होती है, बहुत मस्त रहती है। और ये 5 युआन की मिली, देखिए अब इससे कलर देख के आपको समझ में आ जाएगा किस कैसी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 5 युआन मतलब 55 रुपये की मिली है चाय, चाय पी लिए मज़ा आ गई। अब चलते हैं, आप लोगों को यहाँ मुस्लिम पार्ट तो दिखा दिया, अब दिखाता हूँ भाई यहाँ का जो चाइनीज़ और मंगोलियन पार्ट। और ये देख सकते हो भाई यहाँ जो ये ऊँट देख रहे हो ये यही रीजन में मिलती है। देखिए टोपी वाला एक आदमी या एक स्टैचू वगैरह बना के रखे हैं, यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ बना के रखे हैं लोकल लोगों के लिए। और देखिए ये अंकल मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा वो सुन नहीं पाए, बूढ़े हैं। और देखिए यहाँ सारी लेडीज़ वगैरह बैठे हुए हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर, और देखिए भाई यहाँ के रिक्शे सामान इधर उधर लेके आने के लिए। और ये जो स्ट्रीट देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों को मंगोलियन और चाइनीज़ खाना और चाइनीज़ दुकानें देखने मिलेगी, तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ देख सकते हो भाई पुलिस की गाड़ी, ओपन गाड़ी है पुलिस की, ये देखिए। तो यार ये वाला रोड देखो कितना ज़्यादा कलरफुल बना के रखे हैं, ये देखिए साइकिल वाली लेन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, क्या बात है यार। और देखिए कैमरा भी लगा के रखे हैं यहाँ पर, बड़ा सा कैमरा है। और डस्टबिन वगैरह भाई बहुत ज़रूरी है और हर जगह रहती है, ये भी देख सकते हो यहाँ पर भी सारे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। ये जो स्ट्रीट है ये भी पूरी मुसलमान वाली स्ट्रीट है, ये पूरे यहाँ पर मुसलमानी दुकानें हैं। ये तो मैं बाद में भी दिखा सकता हूँ, रात में भाई बहुत ही खतरनाक लिट हो जाती है पूरा, जो आप पीछे वो देख रहे हो लैंटर्न जब ये चमकता है ना तो आपकी रौनक और बढ़ जाती है, वो तो मैं आप लोगों को बाद में कभी दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले भाई ग्लव्स खरीद लेता हूँ आगे से और थोड़ा ATM से पैसा निकालना है, और फिर आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ यहाँ की एक तिब्बतियन मॉनेस्ट्री में। यहाँ पर बहुत सारी तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, क्योंकि यहाँ के जो क्योंकि यहाँ के जो मंगोलियन लोग हैं, इनर मंगोलिया के लोग हैं, वो बहुत सारे बुद्धिज्म भी फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को मैं भाई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी दिखाता हूँ अभी, पर सबसे पहले ग्लव्स खरीद लेते हैं, हाथ ना मेरा लाल होकर एकदम भाई ना खून जम जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इतनी सस्ती सस्ती जैकेट मिल रही है ना, ये देखिए भाई कितनी ज़्यादा ठीक और कितनी अच्छी क्वालिटी की है। ये मिल रही है 69 युआन की, तकरीबन 750 रुपये की। तो यार मैं एक ये लेता हूँ यार, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मेरे पास ज़्यादा कुछ इंतजाम नहीं है, तो मैं ये एक लेता हूँ। तो 69 आरएमबी की है जो कि होते हैं 750 रुपए। तो यार मैं लेता हूँ, ये क्वालिटी बहुत सही लगी, देख सकते हो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। बाहर तो सिर्फ एक है और अंदर में जब घुसा तो यहाँ पर भाई बहुत सारी अलग अलग डिजाइन की भी है। देखिए सस्ती सस्ती है, 79 मतलब 800-850 रुपए हुआ, और क्वालिटी आप देख सकते हो यार बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार। तो यहाँ से मैं एक दो लूँगा यार, टी शर्ट भी देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी है, क्या बात है। जीन्स भी देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक है, 1000 के अंदर सब इतनी अच्छी अच्छी जीन्स और जैकेट वगैरह मिल रही है यहाँ पे।
तो पहले मैं अच्छे से चूज कर लेता हूँ, देखिए बड़ी बड़ी जैकेट भी है यहाँ पर, चूज कर लेता हूँ फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। तो यार वहाँ तो जैकेट बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है, लेकिन दिक्कत ये कि मेरे पास कैश खत्म हो गया है, मुझे पहले कैश ढूंढना पड़ेगा, एटीएम ढूंढना पड़ेगा, वहाँ से कैश निकलवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ आना पड़ेगा। उतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास, क्योंकि अभी शाम हो रही है और मैं आप लोगों को लेके जाने वाला तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, तो पहले वहाँ चलते हैं, शॉपिंग तो बाद में भी कर लेंगे। लेकिन ये दुकान से भाई देख सकते हो मैं ग्लव्स खरीद लिया हूँ 100 रुपये का, बोला भाई हाथ तो कम से कम बचे, बाकी तो जैकेट तो पहने ही है, जैकेट वैकेट बाद में खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो अब चलते हैं यहाँ से, साइकिल लेते हैं और मिलता हूँ आप लोगों को मैं तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में। तो यार फिर से हम साइकिल लेके निकल गए हैं और हर जगह आपको ना भाई मंगोलियन आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, देख सकते हो वहाँ मंगोलियन बिल्डिंग भी और साथ में मंगोलियन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, तो इससे मालूम पड़ता है कि भाई हम हैं इनर मंगोलिया में और यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने आप को ना मंगोलियन बोलते हैं। जैसे कि अभी मुझे एक आदमी मिले थे, वो पूछे आप कहाँ से हो, तो बोला मैं इंडिया से हूँ, और मैं पूछा भाई आप कहाँ से हो, तो बोलते हैं मैं मंगोलियन हूँ। मतलब मंगोलिया के कौन से शहर से, उलन बता रहे हो क्या, मंगोलिया कैपिटल, तो बोलते नहीं 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 मैं इनर मंगोलिया का हूँ। तो यहाँ के लोग अपने आप को मंगोलियन बोलते हैं, ये काफ़ी सही सिस्टम है। तो हम यहाँ सिग्नल पे रुके हुए हैं, सिग्नल खुलता है तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ बुद्धिस्ट टेंपल की तरफ। देखिए ग्लव्स कैसा पहना हूँ, एक अंगूठा बाहर निकाल के रखा हूँ। वो एक मेन चीज़ तो बताने ही भूल गया, जो भाई चंगेज खान है, आप आई एम श्योर आप में से हर लोग चंगेज खान का नाम सुने रहेंगे, वो कहाँ पर दफन है वो किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन एक ऐसी अफवाह है कि वो यहाँ इनर मंगोलिया में दफन है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वहाँ भी लेके जाऊँ, वो यहाँ से तकरीबन 250-250 किलोमीटर दूर है, तो हम ट्राई करेंगे वहाँ भी जाने के लिए। यार हम अपनी साइकिल पार्क कर दिया और इस जगह के बारे में बात करें तो यार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है। आप देख सकते हो ये एक बुद्धिस्ट टेंपल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी, वो सारा कुछ रीजन था वो मुसलमान वाला रीजन था, और ये जो सारी दुकानें देख रहे हैं यहाँ पर ये बुद्धिस्ट की दुकानें हैं, और जो इन दुकानों में सामान मिल रहा है वो सारा कुछ बुद्धिस्ट टेंपल वगैरह में लगता है। वो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगी, लैंटेन वगैरह लगा हुआ है, ये देखिए मैं तो अंदर जा नहीं सकता, आपको बाहर से दिखा दूंगा। वो देखिए सारी कुछ चीज़ें मिल रही है, ऐसी बड़ी बड़ी तो बहुत सारी टेंपल है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ की सबसे मेन टेंपल लेके आता हूँ, जो बुद्धिस्ट तिब्बतियन स्टाइल टेंपल है, और वो टेंपल का नाम देख सकते हो डाजाओ टेंपल। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था, ये देखिए ये जो लैंग्वेज देख रहे हो आप, ये है मंगोलियन लैंग्वेज, ये है चाइनीज और ये है इंग्लिश। मंगोलियन लैंग्वेज को ऐसा देख के लगता है कि भाई उर्दू को ना टेढ़ा करके लिखे हैं, देखिए ना ऐसा लग रहा है उर्दू लिखे हैं, ऐसा देखेंगे तो उर्दू लगेगा और ऐसा देखेंगे तो मंगोलियन, तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो चलते हैं डाजाओ टेंपल की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई यहाँ की बुद्धिस्ट टेंपल। ये देखिए यहाँ का पुलिस स्टेशन कितना ज़्यादा अलग स्टाइल में बना हुआ है, बिल्कुल पूरा कांच का है और अभी बंद क्यों है यार, लगता है यहाँ पर क्रिमिनल नहीं है। इन लोगों की दाद देना पड़ेगा भाई, ये जो साफ़ सफाई वाले रहते हैं देख सकते हो आप, ये हरदम यहाँ पर बैठे रहते हैं, कोई भी एक छोटा सा भी कचरा गिराया तो ये उठाते हैं, देखिए बेचारे कितने बूढ़े हैं। अगर कुछ इमरजेंसी आई, यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है SOS, कुछ इमरजेंसी है पुलिस को फ़ोन करना, खाली बटन दबाओ और अपना मैसेज छोड़ दो, पुलिस आ जाएगी। सही है यार, एकदम बीच में रोड पे लगा के रखे हैं, पुलिस को फ़ोन लगाने की ज़रूरत ही नहीं, बस यहाँ से बटन दबाइए और पुलिस से बात कर लीजिए। और जैसे जैसे शाम बढ़ रही है ना यार, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अभी टेम्परेचर भाई बहुत ज़्यादा माइनस में डाउन हो जाएगा, लेकिन अभी ठीक है यार। तो यार लग तो रहा है बंद, फिर भी एक बार मैं ट्राई करता हूँ, पूछता हूँ जाने का रास्ता है या नहीं। अरे यहाँ तो पत्ता खेल रहे हैं, इनसाइड इनसाइड उधर से ओके शीशे शीशे। तो यार बंद नहीं है टेंपल, चालू है। मुझे लगा बंद है क्योंकि भाई सारे दरवाजे देख सकते हो यहाँ से बंद है, तो वहाँ बूढ़े लोग भाई छुप के पत्ता खेल लेते, तो वो लोगों ने बताया कि इस तरफ जाओगे तो अंदर है टेंपल। तो चलते चलते मैं थोड़ा टेंपल के बारे में बताता हूँ। ये टेंपल है तिब्बतियन बुद्धिज़्म की, और बुद्धिज़्म में भी भाई बहुत सारे टाइप होते हैं, तो ये जो है वो तिब्बतियन बुद्धिज़्म की। ओहो यहाँ देखिए सामने है टिकट ऑफिस, तो यहाँ से टिकट लेता हूँ। टाइमिंग क्या है इसकी, यहाँ की टाइमिंग देख सकते हो सुबह 8:30 बजे खुलती है और बंद हो जाता है 5:30 बजे, ये विंटर में, और समर में भाई 6:30 तक खुली रहती है। तो अभी बज रहा है 5:10, सिर्फ 20 मिनट बाकी है, तो भी जाके हम विजिट कर लेंगे यार, चलता है 20 मिनट में, अच्छा खासा आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यहाँ से टिकट लेते हैं, टिकट 35 युआन टिकट है और मैं कर दिया हूँ अली पे, और आ गए टिकट। हाँ एंटर हियर 6:00, तो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, 20 मिनट नहीं 23 मिनट बचा हुआ है, 5:07, 35 युआन की टिकट आई है 400 रुपये की। चलिए भाई अच्छा हुआ अली पे था, भाई कैश था भी नहीं मेरे पास में। देख सकते हो हम एंटर हो गए डाजाओ टेंपल में, यहाँ से हम एंटर हुए टिकट दिखा के, और यहाँ सबसे पहले चीज़ दिखी है भाई, ये क्या है, चेरी है कि क्या है, बहुत ही मस्त लग रहा है यार, देख सकते हो पूरा चेरी लगी हुई है पेड़ पे, क्या बात है। तो चलते हैं अंदर, मैं आप लोगों को थोड़ा टेंपल के बारे में बताता हूँ। और यहाँ देखिए भाई ऐसा ना, ये ड्रेस पहन पहन के ना लड़कियाँ घूम रही है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे आपको। डिज़ाइन तो बिल्कुल जो मॉस दिखाया था बिल्कुल वो डिज़ाइन वाली है। और यहाँ पर ये लोगों को देखिए, हेलो है मंगोलियन,
No, I'm just for Chinese. You speak English? Yeah, but this. This is Mongolian dress. Yeah. But you are Chinese. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Welcome to China. Thank you so much. Thank you. Hello. Niao. Hello. Niao. तो देखिए भाई, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मंगोलियन कपड़ा पहन के घूम रही है. हेलो हेलो. जो मंगोलियन कपड़ा पहन के घूम रही है, वो जो सारा कपड़ा था मंगोलियन कपड़ा, जो टोपी थी, जो ड्रेस था, वो सारा मंगोलियन स्टाइल कपड़ा आप लोगों को देखने मिलेगा. क्योंकि भाई यहाँ के लोग मंगोलियन है, लेकिन वो लड़की चाइनीज़ थी, फिर भी ऐसा रिस्पेक्ट वो पहन के रखी थी. तो ये टेम्पल का मेरा ख्याल है ये मेन साइड पर आ गए हैं. ये देखिए बीच में बड़ा सा कुछ खाने बनाने जैसा वो लगा हुआ है. और एक चीज़ भाई, ये तिब्बतन टेम्पल पर आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर देखने मिलेगी. ये क्या रहता है मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है. देखिए मोंग के हिंदू तो देखिए वो एक मोंग थे, और ऐसी कुछ होती है भाई बुद्धिस्ट टेम्पल. और ये जो टेम्पल है, ये आज से तकरीबन 550 साल पहले बनाई गई थी. सोच सकते हो 550 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन अभी भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. ये देखिए, वैसे तो अभी मैं तिब्बत जाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगा अभी, समझाऊंगा अभी, लेकिन फिर भी आप यहाँ की झलक देख सकते हो. ये कुछ ऐसा घुमाते हैं, ऐसा कुछ सीन रहता है. इसके बारे में तो डिटेल मालूम नहीं, जब तिब्बत अभी मैं जाऊँगा. नहीं आओ. देखिए भाई मोंग, तो मैं बोल रहा था कि मैं जब तिब्बत जाऊँगा तो वहाँ पर हमारे साथ इंग्लिश स्पीकिंग गाइड भी रहेंगे, तो वो सारी चीज़ समझा देंगे, ये क्यों करते हैं, कैसा है, इनके रिलीजन के बारे में, तिब्बतन बुद्धिज़्म के बारे में, वो सारी चीज़ें बता देंगे. अभी तो भाई सिर्फ मैं देख सकता हूँ और थोड़ा जो मुझे मालूम है वो आपको बता सकता हूँ. कि यहाँ पर ये ऐसा प्रेयर कर रहे हैं, कुछ अगरबत्ती जला के. यहाँ पर लग रहा है ये जो है ये मेन टेम्पल है इनकी, तो ये उनको रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये देखिए अगरबत्ती जला के ऐसा कुछ प्रेयर कर रहे हैं. और उसके बाद ये अगरबत्ती जो देख रहे हो, वो ये जो हरा वाला घर जैसा देख रहे हो, इसके अंदर वो लगा देंगे. बाकी इस तरफ देख सकते हो आपको बहुत सारे सुवीनियर की दुकान मिल जाएगी, आप यहाँ से सुवीनियर वगैरह खरीद सकते हैं. लेकिन टेंपल बहुत ज़्यादा बड़ी है, देख सकते हो वहाँ भी एक पूरा पैसेज गया हुआ है. यहाँ से हम आए हैं, यहाँ भी पूरा पैसेज गया है, यहाँ भी जा सकते हो, मतलब चारों तरफ रास्ता है जाने के लिए. तो मेरा ख्याल है भाई पूरा दिन लग जाएगा अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करने जाएंगे इसको. तो चलिए हम चलते हैं अंदर, थोड़ा सा देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कैसा सारा सीन है. तो देखिए, जैसे कि हमने आप लोगों को दिखाया था, वो लड़की यहाँ अगरबत्ती लेके थोड़ा प्रेयर वगैरह करी, फिर उसके बाद ये अगरबत्ती यहाँ पर लगा दी. तो चलते हैं भाई ये वाले टेंपल में अंदर, देखते हैं क्या है. अच्छा, यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा वो लगा हुआ है जिसको घुमाते हैं, और यहाँ बहुत सारे देखते देखते हो स्टैचूज लगे हुए हैं. देखिए, हाँ ये देखिए भाई, बड़ा सा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार. इसको घुमाते हैं या फिर घूमते रहता है, कुछ ऐसा सिस्टम है इसका. और इधर देखिए, लग रहा है इनके मेन गॉड है. वहाँ बाजू में देख सकते हो मोंग की सोने की जगह है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है. यहाँ भी अच्छा देख सकते हो, यहाँ पे प्रेयर होती है इनकी. इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानता हूँ. ये यहाँ पे ना लेटते हैं 10,000 बार मंडे को ना, ये पैर रख के इस पर 10,000 बार लेटते हैं, फिर खड़े होते हैं, लेटते हैं फिर खड़े होते हैं, 10,000 बार करते हैं वो मंडे को. तो यार अब मैं आ गया हूँ एकदम कोने वाले पार्ट में. ये है यहाँ की सबसे मेन टेम्पल, जो सबसे मेन जगह है वो ये वाली जगह है. मैं आपको बोला था पहले वाली है, लेकिन पहले वाली नहीं है, ये वाली सबसे मेन जगह है. तो यहाँ थोड़ा सा आवाज़ नीचे रखूँगा और आराम से आपको बताऊँगा. क्या बात है यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है. देखिए ऐसा कुछ करते हैं ये लोग प्रेयर वगैरह के लिए. और देख सकते हो यहाँ पर सारी सीटिंग बनाई गई है मोंग के बैठने के लिए. देखिए यहाँ सब मोंग बैठ के प्रेयर करते हैं. और यहाँ पर देख सकते हो ये पूरे जानवर वगैरह बना के रखे हैं. डिज़ाइन देखिए पूरे दीवार पर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है. ये देखिए, ये तो हाथी है, उसके पीछे ये कौन सा जानवर है क्या पता भाई. और ऊपर भी देख सकते हो यार, अच्छा वो देखिए जो वहां पर आप देख रहे हो वो लग रहा है मेन मोंग की बैठने की जगह है, लेकिन वो मोंग है नहीं यहाँ पर, ऐसा कुछ होगा. और इसके पीछे भी कुछ है, दिखाता हूँ मैं आपको. देखिए भाई ये जो चीज है ना, ये एकदम ऑथेंटिक है, 550 साल पुरानी, एकदम ऑथेंटिक है. तो यार आज के एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ की सबसे पुरानी, सबसे यूनिक और सबसे बड़ी मस्जिद भी दिखा दिया, और सबसे पुरानी, सबसे यूनिक और सबसे बड़ी बुद्धिस्ट टेंपल भी दिखा दिया. तो यार अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यार मैं ये टेंपल ज़्यादा देखा नहीं और देखूंगा भी नहीं, क्योंकि यार फिर तिब्बत जाऊँगा तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा. इसलिए मैं ऊपर ऊपर से देखा और थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया. अब यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को मिलता हूँ मैं बाहर. तो यार टेंपल से बाहर निकल गया हूँ मैं और टेंपल बंद हो गए, 5:30 बज गए हैं. निकलते साथ यहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक लग गई है भाई, जैसा अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर लाइट जो जल रही है इतना ज़्यादा
ज्यादा सही लग रहा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ का माहौल, जैसे जैसे रात होगी ना और ज्यादा लाइटिंग लगने लग जाएगी और बहुत ही और खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए, तो देखते हैं यहाँ की स्ट्रीट वगैरह पे घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या देखने मिलता है, कुछ खाने पीने के लिए मिलता है। और पूरी मार्केट अंदर तक घूम के आया, अभी दुकानें सारी बंद हो रही है और भाई इस वीडियो में थोड़ा सा दिखा के मतलब नहीं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा बेहतरीन मार्केट में अपने पूरे चाइना, जो पिछली बार एक महीना चाइना रह के गया और अभी जितना टाइम हुआ है मेरे को चाइना में, इतनी अच्छी मार्केट और इतनी यूनिक मार्केट में अभी तक नहीं देखा हूँ। यहाँ अलग स्ट्रीट जा रही है, यहाँ अलग स्ट्रीट जा रही है, यहाँ अलग टाइप की मार्केट है, इधर अलग टाइप की मार्केट है, इधर पे अलग टाइप की मार्केट है और बहुत ही ज़्यादा रौनक है भाई। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी बंद भी हो रही है और भाई ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया भाई इनर मंगोलिया का मेरा पहला इंप्रेशन, यहाँ के मुस्लिम स्ट्रीट, मस्जिद, यहाँ की तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेम्पल और सारी चीज़ें भाई, यहाँ की स्ट्रीट हर चीज़ मैं आप लोगों को दिखाया। और साथ ही साथ भाई बुलेट ट्रेन से आए तो वो भी जर्नी भी आप लोगों को दिखा दिया। तो यार काफ़ी ज़्यादा यूनिक जगह यार इनर मंगोलिया के बारे में, इससे पहले तो भाई हम ज़्यादा सुने नहीं थे, लेकिन देख के ऐसा लगा कि भाई चाइना यार हद अलग लेवल पे चल रहा है यार। कहीं भी जाओ चाइना में भाई, मैं चाइना में इतनी सारी जगह जा चुका हूँ ना, कोई लोकल चाइनीज़ भी इतना नहीं गया होगा। और एक चीज़ मैं समझ गया भाई, कहीं भी जाओ यहाँ के डेवलपमेंट अलग लेवल पे। और यार मैं सुबह से निकला हूँ, मेरी ट्रेन सुबह 8:30 बजे थी और मैं घर से निकला था 7:15 बजे। तो भाई सुबह से निकला हूँ और उसके बाद पूरी बुलेट ट्रेन जर्नी करके यहाँ तक आए हैं, फिर उसके बाद बैग फेंक के मैं डायरेक्ट घूमने और वीडियो बनाने निकल गया। तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है। अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ और थोड़ा सा रास्ते में देखें कुछ खाने पीने मिला तो खाऊंगा। तो ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।